रुद्रप्रयाग में भी 22वें राज्य स्थापना दिवस अगस्त्य मुनि के खेल मैदान में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह और विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत सहित आला अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में जनपद के शहीद राज्य आंदोलनकारी यशोधर बेंजवाल की पत्नी उमा देवी बेंजवाल और अशोक कैशिप के भाई मनोज कैशिप को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर खेल विभाग ने कई विधाओं में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए और उत्तराखंड की प्रगति और खुशहाली के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। वहीं सरकार ने राज्य की प्रगति के लिए निरंतर कार्य किए हैं। राज्य की प्रगति के लिए महिलाओं की अहम भूमिका रही है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। मुझे वो दिन याद है जबकि हमारे जिले की हम चमोली जिले में थे, उसके बाद हमारा जिला रुद्रप्रयाग बना। तो सारी जितनी भी मुजफ्फरनगर खंड में हमारी महिला बहनों ने शहादत दी, अपनी अस्मिता की परवाह भी नहीं की, एक जिद्द लेके चली जो पहाड़ की निशानी होती है कि हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए, और वो राज्य बना। आज 22 साल हो गए, उसके बाद हमें अब इसके लिए सजग रहना होगा। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उस समय भी जब उत्तराखंड को बनाने की बात हुई थी, उस समय भी महिलाओं ने अपने प्राणों की तक आहुति दी है, और आज भी पूरे उत्तराखंड में महिलाएं आगे हैं, और हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो स्थान है वो हमेशा अग्रणी रहे। यही मेरी अपनी सरकार से और पूरे प्रशासन से और सभी मातृशक्ति से निवेदन है कि आप लोग अपने को कभी पीछे न रखें, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे जनप्रतिनिधि भी इस समय लगभग महिलाएं हैं, पूरे हमारे प्रशासन की टीम भी महिलाओं की यहाँ पे ज्यादा है। सभी मानी जनप्रतिनिधिगण, राज्य आंदोलनकारीगण और स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभा किया गया। मैं इसमें सभी हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं उसको आप लोग भलीभांति अपने ड्यूटी को ढंग से करेंगे तो निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कहा जा रहा है कि सरलीकरण किया जाए और निस्तारण किया जाए, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और स्थापना दिवस मनाकर हमें बहुत खुशी हुई। सबसे पहले हमने यहाँ पर परेड की, और जिस प्रकार से हम अपने स्थानीय उत्पादों को हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। उनको जो छिप चुके हैं, जो ढल रहे हैं, उनको उगाना चाहिए और ज़्यादा, ताकि पूरे देश में हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति की छाप छूट जाए।